एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक वेट लॉस वीडियो लेकर के, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो भाई हमारी शुरुआत कुछ इसी प्रकार से होती है, बच्चों के साथ होती है। मेरे ख्याल से आप सभी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। तो बस सुबह के 5 बजे उठ करके बच्चों के लिए लंच बना करके उन लोगों को दे दी हूँ। और ये जो व्लॉग है ना, ये सैटरडे का व्लॉग है, संडे को मैं व्लॉग डाली नहीं थी, तो इसीलिए आज मंडे को ये जा रहा है। तो चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं यहाँ पर कर ली हूँ अपना गुनगुना पानी, और उसके बाद पूरा एक नींबू निचोड़ करके अब इसे चलते हैं सिप सिप करके पीते हैं। रोज़ का रोज़ मैं धनिया पानी, मतलब धनिया को पानी में डालना भूल रही हूँ, इसीलिए कुछ ऐसा हो रहा है। और साथ ही ना एक चीज़ और होती है कि मुझे धनिया पानी पीना उतना पसंद नहीं आता है ना, तो इसीलिए और भी मैं जानबूझ करके भूल रही हूँ। लेकिन कोशिश करनी होगी, डालना होगा, तभी जा करके फिर से मेरा थायराइड जो है अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए इसे अच्छे से सिप सिप करके पीते हैं। और हाँ, आप सभी को भी मैं ये बोलूँगी, भले ही आप सिंपल गुनगुना पानी क्यों ना पिएं, लेकिन प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में सुबह का जो पानी होता है ना, वो गुनगुना ही पिएं। गुनगुना भी नहीं पी पाते हैं तो नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर का ही पानी पिएं, लेकिन ज़रूर पिएं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। गुनगुना पानी पी ली थी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी भी जा चुके थे ऑफिस, उसके बाद फिर घर की सफाई वगैरह कर ली हूँ। और उसके बाद फिर जैसा कि मैं आप सभी के साथ प्रॉमिस की थी कि अब आएगा प्रतिदिन, कोशिश करना है यही कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप सभी के साथ शेयर करनी है, ताकि आप लोग भी मुझे देखकर मोटिवेट हो सकें और अपना आप लोग थोड़ा बहुत या फिर ज़्यादा भी जितना हो सके अपना वज़न कम कर दें। तो भाई यहाँ पर जैसे ही मैं बोली चलो लफनदोरी लेकर आते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि मेरी नई वाली लफनदोरी भी गायब है। ये मेरी बेटी ना पता नहीं क्या करती है, पुरानी वाली तो कहीं लेकर चली ही गई थी और नया भी मैं मंगा कर रखी थी तो मुझे मिली ही नहीं। फिर मैं बोली नहीं, आज चाहे जो हो जाए, आज तो मुझे स्किपिंग करना ही है। बस हाथों को अपने घुमाना स्टार्ट की हूँ और 50 टाइम या 60 टाइम ऐसे ही मैं कुछ कर डाली। पहले तो मैं मिरर के सामने ही कर रही थी कि पता नहीं कैमरे के सामने मैं कैसे दिखूंगी ये सोच करके, लेकिन फिर बोली चलो जैसे भी दिखेंगे, आप सभी को मोटिवेट करना है ना, तो बस आपके सामने ही करना है। तो फिर यहाँ पर भी आकर के मैं की, उसके बाद थोड़ी बहुत ये भी एक्सरसाइज कर ली अपने हाथों को। इससे क्या होता है ना, बैक फैट बहुत जल्दी कम होता है, तो इन सभी को मैं करती हूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा जो फैट होता है ना, बैक में ही आता है, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा करके कि मैं वहीं की एक्सरसाइज वगैरह करूँ। और साथ ही फेस एक्सरसाइज तो डियर मेरा सारा दिन चलते ही रहता है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा जो फेस है वो गोल है और बहुत जल्दी उसमें ना फैट जमा हो जाता है, तो इसीलिए फेस एक्सरसाइज मैं करते ही रहती हूँ। तो चलिए अब मेरा एक्सरसाइज लगभग हो गया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं करते हैं, इतना भी इनफ था, और जितना हो सकता है उतना तो भाई मैं करने की कोशिश ही करती हूँ। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये तो हो गया है, उसके बाद फिर मैं पीऊँगी अपना गुड़ वाली चाय, क्योंकि उसके बगैर ना मुझे एनर्जी नहीं मिलती। कई बार एक्सरसाइज करने से पहले पी लेती हूँ, कई बार एक्सरसाइज के बाद पीती हूँ, जब मेरा मन होता है पी लेती हूँ और फिर स्टार्ट भी कर देती हूँ एक्सरसाइज। तो चलिए ये सब हो गया, काम काज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज से प्रॉपर तरीके वाला वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो चुका है। और सुबह से तो आप लोगों ने देखा जो जो भी मैं की हूँ, उसके बाद फिर कर ली थी घर का सारा काम काज, और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता ले ली हूँ, जो कि है मेरी फेवरेट चना चाट, और वो भी क्या है ना, अंकुरित है, जो कि भरपूर प्रोटीन युक्त होता है। तो इस तरीके का आप अगर कर खाते हैं तो आपकी बॉडी के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ ही ये हेल्दी भी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद रहता है। तो चलिए फटाफट इसे अच्छे से च्यू करके खाते हैं,
और याद रखिएगा कि हर एक बाइट को आपको 32 बार च्यू करके खाना है, तभी जा करके फ़ायदा करेगा, वरना फिर थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जितना हो सके इसे आप लोग च्यू करके खाएं। तो चलिए आराम से बैठ जाते हैं आंगन में और फिर हरियाली देखते देखते हुए खाते हैं सब। और हमारे तरफ ना डियर पानी की इतनी दिक्कत चल रही है ना कि हम लोग क्या बोले, कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब 12-13 दिन से पानी नहीं चल रहा है, बारिश इतनी हो रही है कि मत पूछे, लेकिन पानी ना के बराबर। जहाँ से सप्लाई होता है वहाँ का पाइप ही बार बार फट जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और काम काज तो बहुत कम ही हो रहा है क्योंकि पानी ही नहीं है, और साथ ही आज शनिवार है तो बनानी है सिर्फ खिचड़ी, तो वो तो तुरंत बनी जाएगी। तो आराम से बैठ कर इसे चीव करते हैं, साथ ही अपने वीडियोज़ को भी एडिट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड अभी टाइम काफ़ी हो गया है, 3:15 बज गया है और यहाँ पर मैं ले ली हूँ खाना। शनिवार था तो इसीलिए खिचड़ी बना है। खिचड़ी बस सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, करी पत्ता सरसों डालकर सिंपल, एकदम सिंपल, बिना मसाले वाली खिचड़ी, बहुत कम मसाले से बनाई हूँ। और ये ले ली हूँ, साथ ही पापड़ है और मूँगफली और बादाम की चटनी भी है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और खाना भी खा रही हूँ, अभी टेंशन भी है क्योंकि पानी खुल गया है, लाइट आ रहा है जा रहा, कब से बोलूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन है भाई। तो खैर कोई नहीं, चलिए खाते हैं, उसके बाद फिर काम काज भी करते हैं। तो हमारे घर में तो भाई सैटरडे के हर सैटरडे को खिचड़ी बनता है। आप सभी के घर में क्या बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और खिचड़ी खाना किसे किसे पसंद है वो भी बताइएगा। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा खिचड़ी पसंद है और मैं ज़्यादा करके भी बनाती हूँ कि अभी भी मैं खा लूँ और इसे फिर थोड़ा सा और पतला करके रात में भी खा लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ, तो आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बिस्टी फोन आ रहा तुम्हारा, कोई भी थिनर या फिर टर्पेंटाइन जो भी लिए वो कपड़ा लेना है और इसे हमें अच्छे से बस। सो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है 7:30 का, मैं 7:15 बजे लेकर अपना खाना बैठ गई थी, और मैं खाऊं और मेरी बेटी ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस इसे भी खिला रही हूँ और मैं भी खा ले रही हूँ। जैसे कि मैं आप सभी को बताई थी कि मैं रात के खाने में भी खिचड़ी ही खाऊंगी, तो बस उसी को एकदम पतला सा करती हूँ और इसी को खा रही हूँ, उसके बाद फिर इन लोगों के लिए खाना बनाएंगे। और आप लोग बोलते हैं ना कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई फिर भी क्यों खिलाते हैं, तो इसकी आदत हो गई है, जब तक मेरे में ना खाए ना तो इसका मतलब इसका भी मन नहीं भरता, हमारा भी मन नहीं भरता है। अगर इसको खिला लेते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये खाती भी है। मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल नहीं खाता है, तो इसीलिए उसको नहीं खिलाते हैं, ये खाती है तो इसे भी खिला लेते हैं। तो अभी खा लेते हैं खिचड़ी, उसके बाद फिर क्या बनाएंगे खाना, पूड़ी पूड़ी चढ़ेगा, कुछ नहीं बनेगा, पूड़ी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। गोभी आपने एक दिन पूड़ी बनाकर खिला देंगे क्योंकि नवरात्रि में फिर बनेगा, तो अभी नहीं, सोमवार को या मंगलवार को ऐसे ही बनाकर खिला देंगे, फिर नवरात्रि स्टार्ट होगा तो फिर नहीं बनेगा। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वाना बनाते हैं, और फिर उसके बाद आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड अभी टाइम हो चुका है, रात के बज गए हैं 8:20, और यहाँ पर दोनों बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। पढ़ाई कर रहा है या फिर बदमाशियाँ, पढ़ाई कम करते हो तुम लोग, बदमाशी ज़्यादा करते हो। ये लोग दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही देख सकते हैं यहाँ आ गया है राशन, तब पता नहीं कब क्या होगा, एकदम टाइम ही नहीं मिल पाता है। और साथ ही रात भी देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं तेल कढ़ाई में चढ़ाकर चली गई थी जो कि गर्म हो चुका है, और साथ ही यहाँ पर गोभी आलू भी कट कर ली हूँ। तो चलिए अब इसे डालते हैं, धुल ली थी अच्छे से इसे, और फिर जब तक बन रहा है तब तक यहाँ पर आटा भी लगा लेंगे, और साथ के साथ भुजिया और रोटी दोनों
तरीके से मेरा भुजिया और रोटी दोनों बन जाएगा। काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जो सुबह मैं नहाई थी उसके बाद फिर कुछ भी नहीं कर पाई, और साथ ही जैसा कि मैं बताई थी अभी मेरा टाइम आने वाला है तो वो भी आ गया था। तो काम इतना बढ़ जाता है ना, सब कुछ करना, थोड़ा सा मतलब अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। घर का काम करो, वीडियोस का काम करो, घर का काम करो, वीडियोस का काम करो। थोड़ा सा मन बहलाने के लिए मैं भी सभी की वीडियोस देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, मैं भी रील्स वगैरह देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है व्लॉग देखना, तो जिनका भी मैं व्लॉग देखती हूँ अक्सर, मैं भी उनका व्लॉग देखती हूँ और उसके बाद फिर काम में लग जाती हूँ। तो बस इसी तरीके से हो रहा है। और साथ ही आज ना एकदम मतलब बहस हो गई हस्बैंड जी से, मैं बोली कि नहीं अब चाहे जो हो जाए मुझे ग्राउंड जाना है तो जाना है, क्योंकि ग्राउंड में जाकर के ना वॉक करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ताज़ी हवा मिल जाती है, साथ ही घास में चलने को मिल जाता है जो कि हमारे पैरों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मान गया है कि हाँ चलो ले चलूँगा तुम्हें भी, क्योंकि उन्हें भी अपना थोड़ा सा पेट वगैरह कम करना है इसीलिए। तो चलिए देखते हैं, कल तो संडे है, ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, क्योंकि कल होता है रेस्ट का दिन। तो सुबह से ही रेस्ट हम लोग दोनों करने लगते हैं, हालांकि मेरा तो रेस्ट होता नहीं है, सुबह सुबह थोड़ा सा रेस्ट होता है लेकिन उसके बाद फिर बहुत घमासान वाली काम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर बोल रहे हैं तो देखते हैं क्या करते हैं। और साथ ही अभी नवरात्रि भी आने वाली है तो पूरे घर को भी साफ़ सुथरा करना होगा, सब कुछ क्लीन करके रखना होगा। चलिए सब कुछ होगा, बस करते रहना है। तो चलिए यहाँ पर भुजिया बना लेते हैं, साथ के साथ रोटी भी बना लेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, अभी रात के बज गए हैं 11, सारे लोग सो गए हैं, मिष्टी यहाँ सो गई है, अभी मतलब हम ही दोनों जागे हुए हैं, रील्स देख रहे थे। तो भाई बिहार की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है, मतलब क्या बोले, अजीब सा लग रहा है। जिन लोगों को हम लोग रील्स बनाते हुए देखते थे उनका भी घर डूब चुका है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब सिर्फ होता है ना कि किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप एक दो रील्स देख लिए तो बस उसी टॉपिक पर आया जा रहा। तो मतलब देख करके ना, वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी देख करके वैसे भी मुझे डर लगता है, और इतना ज़्यादा पानी आ रहा कि क्या बोले। तो अगर आप लोग बिहार से हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इस वक्त अपना ख्याल और अपने फैमिली का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझ ही रहे हैं आजकल कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी हंसते खेलते किसी को क्या हो जा रहा वो कोई नहीं जानता है। तो बस मैं यही आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मुझे बिहार से देख रहे हैं और मुझे जानते हैं तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। वैसे आप लोग समझदार हैं, सारे लोग अपना अपना ख्याल तो रखेंगे ही, लेकिन फिर भी चलिए माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि बस आप लोग सारे लोग अच्छे से रहें, सब कुछ जो भी प्रॉब्लम आया है सब कुछ टल जाए। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, रात हो गया है, और बात रही कि मैं कुछ सोची थी कि आप सभी के साथ उस टॉपिक पे बात करूँगी, लेकिन अभी ना बिल्कुल भी ध्यान में ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक था, किस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन अभी ध्यान में ही नहीं है। बस वही सब रील्स चल रहे हैं जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है, उसी वही सब मतलब चल रहा है, मतलब ध्यान में वही सब आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। बस अभी मुझे याद आया कि इस ब्लॉग का एंड तो मैं की ही नहीं हूँ, तो सोची चलो कर देते हैं, क्योंकि फिर ऐसे ही ना रह जाता है तो इसी चक्कर में फिर हो जाता है। तो चलिए अभी 11 बज गया है, हमारा अभी लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है जितनी देर तक चलेगा। तो भाई ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक प्यार सपोर्ट सब कुछ करिएगा। और क्या बोलूँ, बस दिल से दुआ है कि आप लोग सारे लोग बस अच्छे से रहें। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।